हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है विकास 310। तो फ्रेंड्स, अगर आप यूट्यूब यूज़ करते हैं, यूट्यूब पर वीडियोस देखते हैं, तो आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि आप जब भी कोई यूट्यूब पे वीडियो देखते हैं तो उसमें आपको एड्स चलती हुई दिखाई देती हैं। और यूट्यूब पर आपने इसको बंद करने से रिलेटेड काफ़ी सारी वीडियोज़ भी देखी होंगी कि आप यूट्यूब पर एड्स को कैसे बंद कर सकते हैं, लेकिन सब ने आपको गलत तरीका ही बताया है। उन्होंने उसमें बताया है कि आपको फ़ोन की सेटिंग में जाना है, फिर वहाँ से आपको गूगल के ऑप्शंस में जाना है। गूगल के ऑप्शन में जाके आपको वहाँ पे एड्स वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, और एड्स पे क्लिक करके एड सेटिंग के अंदर जाना है, और वहाँ पे एड सेटिंग पे क्लिक करके आपको वो एड्स बंद कर देनी है, तो आपकी एड्स बंद हो जाएंगी। लेकिन ये तरीका बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि इस तरीके से केवल आपकी गूगल एड्स बंद होती हैं। जो गूगल एड्स में आप कैंपेन लगाते हैं, वो एड्स आना आपके चैनल पे या आपकी वीडियो के ऊपर जो एड आती है वो बंद हो जाती है। मतलब जब आप YouTube पर कुछ भी सर्च करते हैं तो उसमें सबसे पहले नीचे ऐड आती है, वो ऐड होती है गूगल ऐड, वो बंद होती है। उससे आपकी वीडियोस के ऊपर जो ऐड आती है वो बंद नहीं होती। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक जेन्युइन तरीका बताने वाला हूं जिससे आप अपनी YouTube एड्स को बंद कर सकते हैं परमानेंटली। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नहीं हैं तो इसे प्लीज़ सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लें, ताकि आपको मेरी आने वाली हर एक नई वीडियो की अपडेट सबसे पहले मिले। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, हम आ चुके हैं अपने मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन के ऊपर। जैसा कि आप देख सकते हैं, इसके अंदर हमें किसी सेटिंग के अंदर नहीं जाना, हमें जाना है अपनी YouTube एप्लीकेशन, ये रही हमारी, इसके ऊपर क्लिक करेंगे और आप अपने YouTube चैनल के अंदर लॉगिन कर लेना। मैंने भी एक डमी अकाउंट से लॉगिन किया हुआ है। उसके बाद आपको टॉप राइट कॉर्नर में अपने चैनल का आइकन दिखाई देगा, आपको इस आइकन पे क्लिक करना है और उसके बाद आपके सामने ये स्क्रीन ओपन हो जाएगी। इसमें आप देख सकते हैं आपको काफ़ी सारे ऑप्शंस दे रखे हैं। इसमें आपको एक गेट यूट्यूब प्रीमियम का ऑप्शन मिलेगा, आपको उसके ऊपर क्लिक कर देना है। इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये स्क्रीन ओपन हो जाएगी। इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पर ये यूट्यूब प्रीमियम है। अगर आप ये प्रीमियम, ये सब्सक्रिप्शन प्लान लेते हैं, उन 129 रुपये का है, तो इसमें आपको YouTube पे आप कोई भी वीडियो देखेंगे तो उसमें एड्स नहीं आएंगी, मतलब वो एड्स फ्री होगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 129 रुपये का प्लान है इनका मंथली का, और यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है और सेव मनी विद ए फैमिली और स्टूडेंट प्लान। इसमें मतलब दो प्लान और हैं इनके, फैमिली प्लान और स्टूडेंट प्लान। इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे फैमिली प्लान है, 1 मंथ आपको फ्री रहेगा ये, उसके बाद 189 रुपीज़ पर मंथ आपको चार्ज किए जाएंगे। और फैमिली प्लान में आप 5 फैमिली मेम्बर्स ऐड कर सकते हैं, और उनकी एज जो है वो 13 साल से ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक है। मतलब अगर आप ये फैमिली प्लान लेते हैं तो आप ये 5 फ़ोनों में चला पाएंगे, मतलब 5 फैमिली मेम्बर उसमें ऐड कर पाएंगे। उसके बाद ये स्टूडेंट प्लान है, स्टूडेंट प्लान भी 1 मंथ तक फ्री रहेगा, उसके बाद ये 79 रुपीज़ पर मंथ हो जाएगा। और इसमें जो एनुअल वेरिफिकेशन की रिक्वायर्ड होती है, मतलब हर साल इसमें वेरिफिकेशन आपको करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये 2 प्लान हैं, आपको जो सा अच्छा लगे आप वो इनमें से ले सकते हैं। उसके बाद नीचे इसमें ये बेनिफिट्स दिखा रखे हैं, जो अगर आप ये YouTube प्रीमियम का प्लान लेते हैं, सब्सक्रिप्शन का प्लान लेते हैं, तो आपको क्या क्या इसमें फैसिलिटीज़ मिलेंगी। इसमें आपको एड फ्री है और बैकग्राउंड प्ले है सबसे पहले नंबर पे। तो मतलब आप YouTube पे कोई भी वीडियो वॉच कर रहे होंगे तो उसमें कोई ऐड नहीं आएगी। और बैकग्राउंड प्ले का मतलब ये है कि अगर आप उस एप्लीकेशन से बाहर भी आ जाएंगे, मतलब आप YouTube पे कोई वीडियो देख रहे हैं और आप उससे बाहर आ जाते हैं, किसी और एप्लीकेशन में चले जाते हैं, तब भी वो बैकग्राउंड में चलती रहेगी। या फिर आप स्क्रीन लॉक कर देते हैं अपनी, तब भी वो बैकग्राउंड में प्ले होती रहेगी वीडियो। उसके बाद सेकंड ऑप्शन इसमें डाउनलोड्स का है, आपको जो वीडियो अच्छी लगती है, जो आप डाउनलोड करना चाहते हैं, वो आप डायरेक्ट डाउनलोड भी कर सकते हैं यहाँ से। और थर्ड नंबर पे यूट्यूब म्यूज़िक प्रीमियम ये ऑप्शन है। इसमें आप क्या है, इसमें यूट्यूब की जो एप्लीकेशन है, एक म्यूज़िक की एप्लीकेशन मिलेगी, आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं और उसमें म्यूज़िक को सुन सकते हैं, उसमें कोई भी ऐड नहीं चलेगी। और नीचे ये सब पिक्चर्स वे में दिखाए हुए हैं, मतलब ये जैसे ऐड फ्री लिखा हुआ है, यहाँ पे ये पिक्चर में दिखाया हुआ है कि ये वॉच कर रहे हैं और ऐड नहीं आ रही। उसके बाद यहाँ पे डाउनलोड एंड गो है कि आप कोई भी अपनी जो भी आपको वीडियो अच्छी लगे वो आप डाउनलोड कर सकते हैं। बैकग्राउंड प्ले है, आप बैकग्राउंड में मतलब वीडियो प्ले करके छोड़ दें और जहाँ भी आप जो भी वर्क करना चाहें वो कर सकते हैं अपना। उसके बाद यूट्यूब म्यूज़िक प्रीमियम है, इनकी जो म्यूज़िक एप्लीकेशन है उसे डाउनलोड कर लेना और उसमें कोई भी म्यूज़िक आप सुन सकते हैं बड़े आसानी से, ठीक है, बिना किसी एड्स के।
तो इस तरीके से आप YouTube एड्स को बंद कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आ गई होगी और आपको पता लग गया होगा कि आप YouTube एड्स को किस तरीके से बंद कर सकते हैं। बिल्कुल जेन्युइन तरीका है, ठीक है, यही एक तरीका है जिससे आप YouTube एड्स को बंद कर सकते हैं। उसके अलावा कोई भी तरीका YouTube पर नहीं है और ना ही कहीं और है, क्योंकि ये YouTube की खुद की सर्विस है, तो वो उनकी प्रीमियम सर्विस ही है जिसको आप यूज़ करके अपनी YouTube एड्स को बंद कर सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो उसे लाइक ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।